बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां देर शाम जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया है, जो ने ओबीसी खातिर आरक्षित सीटन पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। और अब सबसे बड़ी बात कि अब जिला पंचायत के अध्यक्ष के हो वाला आरक्षणों का रद्द कर दिया गया है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल माम कनीश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जहां टॉपिक बता दी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ओबीसी खीतिर रिजर्व जिला पंचायत सदस्य जनपद सरपंच और पंच के पदन खीतिर निर्वाचन के प्रक्रिया में रोक लगा दी गई। यह निर्णय शुक्रवार देर शाम लिया गया है। एक पहले पंचायत विभाग के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण पद खातिर शनिवार को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया का स्थगित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद के द्वारा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के पालन में पंचायतन के निर्वाचन वर्ष 2021-22 खातिर जारी कार्यक्रम के तहत ओबीसी खातिर आरक्षित पंच सरपंच जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदन के निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। यह संबंध में कार्यवाही के तहत सभी कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश जारी कर दी गई है। एक है पंचायती राज आयुक्त आलोक कुमार सिंह के द्वारा कहा गया कि प्रदेश के 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण प्रक्रिया का रद्द कर दिया गया है। आरक्षण प्रक्रिया शनिवार 18 दिसंबर को होने वाली रही। सुप्रीम कोर्ट के यह संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कि यह संबंध में देर शाम आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताया दी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुक्रवार का राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कहा गया रहा कि कानून के दायरे में रह के चुनाव करवा में ओबीसी खातिर निर्धारित सीटन का सामान्य सीटन में तब्दील करे के सूचना जारी करें। जब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में 13% सीट पिछड़ा वर्ग खेती रिजर्व की गई, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करे खेती नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया करावे कोई। तो बताया दी कि सीटन के आरक्षण संबंधित क्षेत्र के आबादी के हिसाब से होते हैं। एकल लेके चुनाव आयोग जो है शनिवार का बैठक बुलाया है। अपना बचक बताया दी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 15 दिसंबर का महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में ओबीसी खेती आरक्षित 27% सीटन के अध्यादेश का रद्द कर दिया। कोर्ट के द्वारा 6 दिसंबर के आदेश में तब्दीली से इनकार करके कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग अपने जो है पिछली अधिसूचना में बदलाव करके हफ्ता भर के अंदर नई अधिसूचना जारी करे। कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किया कि अधिसूचना पिछड़े वर्गन खेती 27% आरक्षण के प्रावधान का रद्द करके 73% सीट सामान्य श्रेणी में रखे जाए के नई अधिसूचना एक हफ्ता में जारी करेगा आदेश आयोग का दिन गया है। तो निश्चित तौर पर समझी कि शुक्रवार आज मतलब देर शाम का यह बेहद बड़ा आदेश जारी किया गया है, जोने का देख के अपना समझ सकी थे कि कहो ना कहो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बेहद बड़ा असर जो है राज्य निर्वाचन चुनाव पर पड़ा है, जोने के सीधा असर मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में पड़ी रहा है। अब हाल में अपना पंचन का बताया दी कि अभी जो है पिछड़ा वर्ग के जो सीटन का आरक्षित किया रहा ओमा चुनावन का स्थगित किया गया। हालांकि शनिवार का एक विशेष बैठक राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बुलाई गई ही। अब देखो दिलचस्प हुई कि का मध्य प्रदेश में हो रही है पूरे पंचायत चुनाव पर या बैठक के असर परत है या फिर नहीं। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।